सिंध के वजीर तालीम सैयद सरदार शाह ने साफ साफ कह दिया, माशरे को मायारी और तालीम याफ्ता असातिज़ा मिलेंगे। जिसे टीचर बनना है उसे सूबाई हुकूमत से लाइसेंस भी हासिल करना होगा। सरदार शाह ने मजीद क्या कहा, जानते हैं असगर अजीम से। जी असगर बताइएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी टीचर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह साहब। शाह साहब, इस टीचर डे पे एक बड़ी अचीवमेंट हम देखने में आ रहे हैं कि आपने टीचर लाइसेंस का ऐलान किया है। ये लाइसेंस किस तरीके से दिया जाएगा, उसका क्या मेरिट आपने रखा है? देखिए, मैं लाइसेंस हर प्रोफेशन में बहुत लाजम है, क्योंकि उसकी एक मुकम्मल तौर पर तस्दीक होती है कि ये शख्स गाड़ी चला सकता है, अच्छी चला सकता है, तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो भी घर से रूठ के निकलता था उसको टीचर बनाया जाता था, तो ये बहुत पाकिस्तान में अशद ज़रूरत थी इस बात की कि हम टीचिंग लाइसेंसिंग पॉलिसी लाए और टीचर्स जो हैं वो प्रॉपर एक टेस्ट से गुजर के, वो टेस्ट किसकी, टीचर की, ये नहीं कि आपको लिखना पढ़ना आता है या नहीं, उसमें क्या है, आपको नॉलेज कितना है, आपकी पेडागॉजी यानी तरीक़ेकार आपको आता है नहीं आता, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, ये सारी चीज़ें लाजम होती हैं किसी को लाइसेंस देके उस्ताद बना के स्कूल में बिठाने के लिए। अब इस वक्त सिंध में वही कोई हमारी जो फिगर है वो 50 लाख से 55 लाख के बीच में है, मगर उन्होंने तो फेडरल वालों ने तो डेस्क मास्टरी की है, ऊपर से डेस्क पर बैठ के एक फिगर बना ली है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। कह रहे हैं कि अब गैर मियारी असातिज़ा माशरे को नहीं मिलेंगे, माशरे को जो भी टीचर मिलेगा वो लाइसेंस याफ्ता होगा, उसे गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। जी।